जी दोस्तों, आज हम लोग फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस नज़म को पढ़ने जा रहे हैं। फायर एंड आइस जो है ये 1920 को ही लिखी गई थी और 1920 को ही इसको पब्लिश किया गया था। फायर एंड आइस के अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दुनिया की तबाही को लेकर के दुनिया किस तरीके से तबाह हो सकती है उसके दो सिनेरियोज़ को दिखाया है। वो कहते हैं कि दुनिया जो है या तो फायर से तबाह हो जाएगी या बाय आइस से तबाह हो जाएगी। अब जो फायर है वो सिंबलाइज करती है इंसान के पैशन और डिज़ायर को। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट इंसान का जो डिज़ायर है वो बाज़कर इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाता है कि वो हर चीज़ को जला देता है। और आइस जो है वो सिंबलाइज करती है ह्यूमन हेट्रेड को, यानी कि इंसानी नफरत को, कि इंसान जब नफरत करने पर आता है तो वह बिल्कुल कोल्ड हो जाता है, वो किसी के भी जज्बात का ख्याल नहीं करता। चलिए नज़म की तरफ चलते हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। के रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड जो दुनिया है विल एंड इन फायर कि वो आग की वजह से तबाह हो जाएगी। सम से इन आइस, और कुछ लोग ये मानते हैं कि ये दुनिया बर्फ़ की वजह से, आइस की वजह से ख़त्म हो जाएगी। फ्रॉम वट आई टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, कि यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कह रहे हैं कि इंसान का जो डिज़ायर है, वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि इंसान का डिज़ायर है वो कितनी शिद्दत इख्तियार कर जाता है। सो उन्हें यकीन है कि ये जो डिज़ायर है इंसान का, यही दुनिया को तबाह कर देगा। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, वो कह रहे हैं कि मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कि फायर को फेवर करते हैं, जिन्हें जो कि डिज़ायर के अंदर इतने ज़्यादा आगे निकल जाते हैं कि वो किसी चीज़ को भी नहीं देखते। उनकी जो फायर है, उनका जो डिज़ायर है, वो इस कदर बढ़ जाता है कि वो हर किसी चीज़ को तबाह करते हैं। बट इफ़ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, तो इस लाइन के अंदर पैरिश ट्वाइस, पैरिश होता है कि तबाह हो जाए, ट्वाइस से मुराद है कि दोबारा। और यहाँ पे वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये बयान कर रहे हैं कि अगर दुनिया एक बार तबाह होने के बाद दोबारा तबाह होना पड़ा, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो वो कह रहे हैं कि मुझे पता है कि दुनिया में इतनी नफरत तो है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ आल्सो ग्रेट, कि वो कह रहे हैं कि जो आइस है वो भी इसे तबाह करने में उतना ही रोल अदा करेगी जितना कि फायर ने किया है। इन लाइनों के अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें अब ये बताते हैं कि जो इंसानी नफरत है वो भी दुनिया को तबाह कर सकती है। इज़ आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, और नीचे वो कह रहे हैं सफाइस से मुराद है कि ये भी काफ़ी होगा कि दुनिया को तबाह करने के लिए, कि दुनिया जो है इंसानी पैशन से भी तबाह हो सकती है और इंसानी नफरत से भी तबाह हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको फायर एंड आइस की समझ आ गई होगी। अगर आ गई है तो काइंडली लाइक करें और सब्सक्राइब करें।